राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा पुलिस ने एक ऐसे पत्रकारों के गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि पत्रकारिता के आर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे थे, अपने निजी फायदे के लिए धंधा कर रहे थे। पुलिस ने अब तक पत्रकार सुशील पंडित, उदित गोयल, नीतीश पांडे और चंदन राय को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार रमन ठाकुर के ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। आरोप है कि वह पत्रकार होने का दावा कर अवैध वसूली करते थे और अपने हित साधने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाते थे। पुलिस ने बताया कि इनका एक साथी अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आरोपियों ने कई पुलिस वालों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्राधिकरण के अधिकारियों तथा नेताओं से साठगांठ कर करोड़ों रुपए की कमाई करने की बात स्वीकार की है। इनकी चल अचल संपत्ति को जिला प्रशासन कुर्क करने की तैयारी कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि पत्रकारिता के आड़ में एक संगठन गिरोह बनाकर अवैध धनोपार्जन करने तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनने अपने हित साधने वाले गिरोह के 4 लोगों को थाना बीटा 2 पुलिस ने शुक्रवार देर रात को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी गैंगस्टर कानून के तहत, उन्होंने बताया कि इस गिरोह का सरगना सुशील पंडित है। उन्होंने बताया कि यह गिरोह मुख्य रूप से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद व लखनऊ में सक्रिय था। उन्होंने बताया कि यह गिरोह 2 प्रकार से अपना कार्य संपादित करता था। इस गिरोह के सदस्य सरकारी सेवकों, विशेषकर पुलिस अधिकारियों को अनुसूचित आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर व्यक्ति विशेष के पक्ष में कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। जिलाधिकारी ने बताया कि 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी नोएडा से, 1 की गाजियाबाद से तथा 1 की लखनऊ से हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कार्यालयों को सील कर दिया गया है। ट्विटर, फेसबुक, ये इस तरीके की चीजें हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को नहीं देखते हैं। एक जिले की न्यूज चलती है, सब जगह भेजी जाती है, दूसरे जिले की फिर सब जगह भेजी जाती है, पर्टिकुलर इंटेंशन से भेजी जाती है, दुष्प्रचार करके और उसमें प्रभावित करने की जो है कोशिश की जाती है। तो ये जो है पूरा गैंग है, इंटर डिस्ट्रिक्ट लोग कॉपरेट करते हैं आपस में। इस गैंग में आपका जो कहना है कि वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, हम इन्वेस्टिगेशन में वो सारे फैक्ट्स लेके आ रहे हैं कि कैसे आपस में कनेक्टेड है। वेल कनेक्टेड है सब लोग आपस में। सारी इन्वेस्टिगेशन होंगी कि कहाँ कहाँ से ये लोग जुड़े हुए हैं, क्या क्या इनकी लीगल एक्टिविटीज़ है। हम लोग ये भी पता कराएंगे इनका सोर्स ऑफ मनी क्या है, कहाँ कहाँ से किन किन कार्यों से संलिप्तता रही है और कहाँ कहाँ से अवैध रूप से धनोपार्जन किया गया, वो भी हम लोग अपने गैंगस्टर एक्ट की, चूंकि वो परव्यू में आता है, इनके सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी। क्या उससे अधिक ही करती होगी, इसलिए इस रिस्पेक्ट के साथ अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जो सामान्यतः गैंगस्टर एक्ट में किसी एक्शन को हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन कल एक अप्रूवल मैंने किया है